बॉस, जैसा बोला आपने वैसा कर दिया मैंने। पुलिस स्टेशन के सारे कैमरास हैक कर दिए मैंने। चाकू रखता है? हाँ, चाकू रखता है। चाकू रख के डराएगा लोगों को? चाकू रख के बंद करो उसे। चाय पियेंगे मैम? पांडे यार, नींद भगाने के लिए चाय मंगवाई थी, ये एकदम ठंडा है। लेकिन इसको प्लीज शान के बारे में बता दीजिए ना, वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं ना सर? वो ठीक है ना? फिल्में देखती हैं आप? मैं तो बहुत देखता हूँ, स्पेशली रोमांटिक थ्रिलर्स। एग्जैक्टली वही फिल्मी कहानी है कि शादी के दिन दूल्हे को दुल्हन के अफेयर के बारे में पता चला, पर मौका मिलते ही दुल्हन ने दूल्हे को उड़ा दिया। एग्जैक्टली फिल्मी कहानी। हाँ जी, देखिए सर, बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ कि वहां पर क्या हुआ था। प्लीज मुझे अब तो बता दीजिए, शान ठीक है ना? उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया। स्टॉप दिस ड्रामा और सच बताओ, क्योंकि ईशान के फोन रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास जो साफ साफ कहते हैं कि ईशान ने तुम्हें कॉल करके नहीं बुलाया था, बल्कि तुमने उसे मैसेज किया था बुलाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों दिखा रहा है। मैंने शान को मैसेज नहीं किया था, शान ने मुझे मैसेज किया था। हो सकता है किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया, उस खूनी ने मेरा फोन हैक करके ये सब किया होगा। ईशान और पाकी दोनों के फोन को मैंने ही हैक किया था। ईशान ने जो मैसेज भेजा था पाकी को, उसे डिलीट करके पाकी के फोन से ईशान को मैंने मैसेज भेजा था। लॉयर आ गया। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? खतरे से तो बाहर है ना? ठीक हो जाएगा ना? नौकर है तुम्हारे घर में? मतलब ये कि जिस तरह से तुम एक ही बात को बार बार बोलते जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर थर्ड क्लास जो थ्रिलर नॉवल मिलते हैं, जिसके अंत में ये लिखता है कि जिसने मर्डर किया है वो नौकर है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे। एक ही बात को 100 बार बोलने से झूठ सच तो सच झूठ नहीं बन जाएगा? टेल मी द ट्रुथ। अगर तुमने खून नहीं किया तो उस चाकू पर सिर्फ तुम्हारी उंगली के निशान क्यों थे? Why? हो सकता है कि असली मुजरिम ने ग्लव्स पहने होंगे, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। वाओ, रियली? सब पता है ना? इनफ। बाकी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मिस्टर जिंदल है तुम्हारे लॉयर, इनसे पूछे बिना किसी को कोई स्टेटमेंट मत देना, किसी को भी। सब कुछ देंगे, मैंने ईशान की जान ली है, रुक लो, मैंने नहीं किया है सब कुछ। It's okay. It's okay. मैं आ गया। अगस्त्य राय चंद, बाकी के खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है और कोर्ट बंद हो चुका है, तो दुनिया का कोई भी लॉयर बाकी को ईशान के मर्डर के लिए अरेस्ट करने से मुझे नहीं रोक सकता। मरा नहीं है ईशान, नहीं मरा है, वो जिंदा है, वो आसानी से नहीं मर सकता, वो नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। ऑफ कोर्स जिंदा है, अभी तक जिंदा है, पर डॉक्टर ने बताया मुझे कि जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है उसके। पांडे, लेके जाओ अंदर। बाकी मैं तुम्हारे लिए बेल की पेपर्स रेडी करता हूँ, एक दिन में छुड़वा लूंगा तुम्हें, एक दिन में, सिर्फ एक दिन। डोंट वरी बाकी, डोंट, मेरी फिक्र मत करो,
तुम शाम का ख्याल रखना, उसके लिए बड़े से बड़ा डॉक्टर लेकर आओ डोडो, उसे कुछ होना नहीं कहीं है। चलिए तुम्हें शाम को मेरे लिए जिंदा रखना होगा डोडो। अगस्त अगस्त क्या कुछ हो नहीं सकता? क्या हम पाकी को रेस्ट होने से नहीं रोक सकते? आंटी कोर्ट खुलने तक हमें वेट करना पड़ेगा, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू जिंदल साहब इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, थैंक यू, अप्रिशिएट दैट। देखिए मिस्टर रायचंद, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि केस इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि खास करके पाखी उस क्राइम सीन पे पाई गई थी और वो मर्डर वेपन, वो चाकू उसके हाथ में था। इतना फिक्र मत करिए, मैं उसे बहुत जल्द कुछ ही घंटों में बेल पे छुड़वा लूंगा। जिंदल साहब लगता है आप कोई गलतफहमी में है, मैंने आप जैसे बड़े लॉयर को हायर इसलिए नहीं किया ताकि आप पाखी को यूं ही बेल पे छुड़वा दें। मैंने आपको हायर इसलिए किया है ताकि आप पाखी को कम से कम एक दिन जेल की सलाखों के पीछे रखें, एक दिन। चाय पी के जाइएगा। बोल रहे थे चांसेस बहुत कम है। पापा संभालिए अपने आप को, ईशान को कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग है वो, फाइटर है, सब ठीक हो जाएगा पापा। डॉक्टर साहब, आपके प्रेयर से असर दिखा दिया है सर, ईशान जहां कोई उम्मीद नहीं थी उसने मौत को हरा दिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन मिस्टर टंडन, मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा, ईशान बच तो गया है लेकिन कोमा में। कोमा? और कोमा से लोगों के बचने के चांसेस 2% से भी कम है। नहीं सर, आप देखना मेरा भाई कैसे 2% को 200% में बदलता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, एंड आई एम श्योर वो कोमा से जरूर बाहर आएगा। प्लीज डू समथिंग। पागलों की तरह प्यार करता हूं मैं पाखी से, फिर भी इसे सजा दे जा रहा हूं। तुम ही बताओ, अगर मैं सजा दूंगा नहीं तो अपनी गलती का एहसास करेगी कैसे? ये पाखी भी ना मेरी तरह जिद्दी है, अपने यूनिवर्स से जिद कर बैठी है कि ईशान को जाने दो, उसे छोड़ दो, उसको मरने मत दो, प्लीज प्लीज यूनिवर्स, अपनी यूनिवर्स से गलत विश कर बैठी है जल्दी। सॉरी बॉस, पर डॉक्टर अभी जिंदा है। यहाँ मैंने चूरा भोका था उसके कई बार, फिर भी अभी तक मरा नहीं। पर आप टेंशन मत लो बॉस, डॉक्टर अभी कोमा में, और यही नहीं बाकी सारे डॉक्टर भी कह चुके हैं कि उसकी बचने की कोई चांस नहीं। सॉरी बॉस। मेरी विश पूरी कर दी यार, सच में। पता है मैंने तुझसे कल कहा था कि उसको मार डाल, फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि नहीं, इतनी आसान मौत। हाँ बोरिंग होता है भी, नहीं बोरिंग हो जाता ना।
उस कमीने को तो जिंदा रहते हुए हर दिन 100 मौतें मरता हुआ देखना चाहता हूं मैं। तड़पने दो से। बिल्कुल वैसे जैसे पाखी अपनी गलतियों के दिन तड़प रही है। गलतियां तो दोनों ने की है ना, क्यों तो भुगतेंगे भी दोनों। तो आखिर क्या राज है इस खूनी दुल्हन का, क्यों बन गई इस डॉक्टर के लिए शादी की शाम ही मौत का पैगाम? इसी पुलिस स्टेशन में कैद है खूनी दुल्हन, जिसने पति के सीने में 50 बार खंजर घोपा। इस खूनी दुल्हन की वजह से पूरा देश सदमे में है, जिसने तथाकथित अपने पति को ही शादी वाले दिन चाकू से मार डाला। सुनिए ना, प्लीज प्लीज बताइए ना, मैं हाथ जोड़ के पूछ रही हूँ आपसे, बता दीजिए ना ईशान ठीक है ना, वो जिंदा तो है ना, प्लीज बता दीजिए। ईशान जिंदा है, तेरी यूनिवर्स ने उसे बचा लिया, फिलहाल कोमा में है लेकिन वो जिंदा है। Thank you, universe. ये रहे बेल पेपर्स, ईशान जिंदा है, इसलिए केस मर्डर का नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर का बनता है, और उसके लिए भी हम कोर्ट में कॉन्टेस्ट करेंगे। बोल लो मैम को। ठीक है ना पापा? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा ना मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। ओके अंकल, फिलहाल हम बाकी को घर लेके चलते हैं। नहीं, पहले बताओ शान कैसा है, वो कैसा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, वो ठीक है ना? बाकी फिलहाल टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर ने कहा है कि चांसेस कम है, लेकिन हमें होप नहीं छोड़नी। ओके आई होप पांडे तूने पन्नी में लिपटा हुआ खंजर देखा हो अच्छे से। अगस्त राय चंद, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या आपने कभी देखा है खंजर को पन्ने में लिपटा हुआ? What do you mean? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ईशान को मरता हुआ देखना चाहता हूँ? कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो डोडो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्यार के बारे में कभी कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते। अच्छा ओके, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ। You guys can go। आप देख सकते हैं खूनी दुल्हन को बेल मिल चुकी है। क्या ये सच है कि आपका किसी और आदमी के साथ अफेयर था? हट यहाँ से। इंडस्ट्रियलिस्ट अगस्त रायसेन के साथ आपके क्या संबंध है? सुनने में आ रहा है डॉक्टर ईशान ने आपको किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। कोई सफाई देना चाहेंगे आप? हटिए। कब से कर रही थी आप मर्डर की प्लानिंग? अरे कैसे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, अब शर्म नहीं आती आप लोगों को? हटिए आप। पांडे लड़की उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, पर अगस्त रायचंद की आंखों में मुझे प्यार दिखता है, जरूरी प्यार, एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा आशिकी। सर जैसे आप नताशा मैम को एक तरफा प्यार करते हैं। पांडे तू भी नहीं यार, किस टाइम पर तूने ताशु की याद दिला दी? ये ताशु कब मेरे साथ पिक्चर पोस्ट करेगी यार, वो भी दिल वाली स्माइली के साथ? पता नहीं कहां चलेगी, आई रियली मिस हर यार। खैर माने यार, जिस तरह ये पाखी श्रीवास्तव का केस टेढ़ा है ना, उसी तरह ये अगस्त रायचंद भी बहुत टेढ़ा है।
मुझे कल सुबह तक इसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए मेरे टेबल पर। ये सर। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ना, ये एक तरफा आशिकी जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, किसी भी हद तक जा सकती है। मैडम कहाँ जा रही हो आप? अंदर अलाउ नहीं है। मुझे शान से मिलना, मेरे होने वाले पति हैं वो। पाकी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मेरे बेटे की जान लेने में जो कसर बाकी है वो पूरी करने आई हो क्या? मैं शान की जान लेने की कोशिश करूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी अंकल, आप भरोसा करिए मेरा, I love him। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को यहाँ बुलाऊं और तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दे, यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ नजर मत आना। तुम उस पर भरोसा करो, तुम्हें लगता है कि मैं कभी ईशान की जान ले सकती? समझाओ ना अंकल को, एक बार मिले तो ईशान से। चली जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज एक बार देखने दीजिए ना, प्लीज। भाई साहब प्लीज अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, मुझे आपकी बेटी और आपके परिवार से कोई नाता नहीं रखना, प्लीज ले जाइए इसे। बाकी चलो यहाँ से। मुझे जान से। अगर इन लोगों ने कंप्लेन कर दी कि ईशान को तुझसे खतरा है तो तेरी बेल रिजेक्ट हो जाएगी, प्लीज मेरी बात। नहीं डोंट डू, मुझे ईशान से मिलना है। बाकी चलो यहाँ से। प्लीज मुझे एक बार ईशान को देखना है। बाकी चलो यहाँ से। मुझे ईशान, छोड़ो छोड़ो मेरा, छोड़ो छोड़ो मेरा। ठीक चलो। ईशान। पाकी जी, पाकी, पाकी, पाकी। बैठो, 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 बैठो। पाकी, पाकी तू चिंता मत कर, इस घड़ी का हम सब मिलकर सामना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन लोग तो क्वेश्चनिंग करेंगे ना भाभी, आखिर चाकू भी तो पाखी के हैंड्स में ही था ना। आई मीनिंग के अब लोग तो नॉनसेंस बोलते रहते हैं, हर किसी की बात को सीरियस थोड़ी लेंगे हम लोग। आंटी आंटी फिलहाल पाखी को आराम करने देते हैं, आप प्लीज उसे अंदर ले जाइए और आराम करवाइए। हाँ, हाँ, पाखी चल चल के आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल, हाँ। बाकी मैं कुछ करता हूँ। पक्का ना? पक्का। कुछ करोगे ना? मुझे मिलना है। आंटी आप लेके जाइए इसे। पक्का? पक्का। आजा। आराम से। मुझे ईशान से मिलना है। ईशान। डीसीसी बैंक रॉबरी केस वाला करतार सिंह ऑर्गन्स और किडनी भी बेचता है, समझ में नहीं आया। हाँ सर, हाँ वो यहाँ के हॉस्पिटल्स के कुछ डॉक्टर हैं, उन्हीं के मदद से ना किडनी चुरा के दुबई में करतार सिंह बेचा करता था। आप कौन? जर्नलिस्ट। वो तो देख रहे हैं। हाँ, ये कुछ केस पेपर्स है जो हमने बनाए। करतार सिंह के बारे में तुम्हें कैसे मालूम इतना सब कुछ? इन्वेस्टिगेशन,
आईडी दिखाओ। दिल्ली एक्सप्रेस। हाँ। इसका एडिटर तो गुलाटी है ना? हाँ। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो। और उसने मुझे कभी नहीं बताया कि आप लोग करतार सिंह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। सारी बातें नहीं बता रहे। एक मिनट, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, वो ही बताएगा मुझे। अगर इसने पेपर के एडिटर को फोन लगा दिया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं यहां पर झूठी आईडी बनाकर आया हूं। आपके लिए चेक। क्या करते हो, देखकर चलो। कुत्ता, मैं दाग लग जाएगा, मैं धोके आता हूं। ठीक है ठीक है, जाइए। फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? क्या देखकर किया है? अरे पांडे, ये तो वही है ना डॉक्टर ईशान। करतार सिंह के साथ क्या कर रहा है? पापा, चाचू, देखो जल्दी टीवी में क्या दिखा रहे हैं। शनाया, क्या हो गया? जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या दिखा रहे हैं भाई, क्या है? देखो क्या हुआ। होनी दुल्हन के केस ने एक नया पेचीदा मोड़ लिया है। अभी अभी पुलिस स्टेशन में हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि पाकी श्रीवास्तव ने जिस डॉक्टर पर हमला किया था, डॉक्टर ईशान टंडन, जी हाँ, करतार सिंह नाम के नामी मुजरिम के साथ मिलकर पेशेंट्स की किडनियों का कारोबार करता था। और न जाने कितने ही मासूम मरीजों की किडनियां इस वहशी डॉक्टर ने दुबई में बेची।